बताएंगे, एक तो इसका ये टाइमिंग कवर है ये चेंज होगा, एक इसका ये पंप है ये चेंज होगा, इसकी ये प्लेट है। अगर आपके राणा की स्ट्रिंग लगी हुई है तो उसमें हो सकता है इसकी प्लेट चेंज नहीं हो, तो एक ये प्लेट भी इसमें चेंज करना पड़ेगी क्योंकि इसमें जेडएफ की स्ट्रिंग है। तीन इसके ये स्टेड मान लो खराब निकले तो उनको चेंज करना है। एक ये शाफ्ट है ये भी चेंज होगी, दो तरफ पंप लगेगा तो ये भी चेंज। तो अभी करीबन करीबन ट्रैक्टर खुल चुका है, सिर्फ हमें टाइमिंग कवर बाहर निकालना है इसका। इसके रिंग लाइनर पिस्टन भी बाहर निकाले हैं, इसका जो हाउसिंग है वो भी पूरा बाहर निकाला है, तभी जाके इसका टाइमिंग कवर बाहर आएगा। और टाइमिंग कवर इसका चेंज करना भी ज़रूरी है, तो इसका टाइमिंग कवर बाहर लेके नया लगाना है, तभी जाके हमारा आगे की प्रोसेसर चालू होगी। इधर भी हमें इसकी पूरी प्लेट असेंबली पूरी यहाँ से चेंज करनी है, तो पहले उधर से कम्प्लीट कर लेते हैं, पहले इधर इसका कंप्लीट कर लेते हैं फिर उधर का क्या सिस्टम रहता है। हमें सिर्फ यहाँ पंप लगाना है, उसी लिए टाइमिंग कवर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग कवर चेंज करना भी ज़रूरी है। वैसे अगर होल करके लगाते हैं और उसमें एक सूत का भी आउट हो जाता है, एक एमएम भी आउट हो जाता है, तो बार बार हमारी जो पंप की सील है वो कट जाती है, पंप की सील करते हैं हमारा स्ट्रिंग फेल हो जाता है। वो वीडियो मेरे पास ऑलरेडी एक डला हुआ है, किसी मैकेनिक ने किया था वो सिस्टम, तो सक्सेस नहीं होता है, इसीलिए हम इसका टाइमिंग कवर चेंज कर रहे हैं। तो टाइमिंग कवर चेंज करके ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो अगर कंपनी कुछ डबल पंप दे दे तो वो बात अलग है, कंपनी ने अभी डबल पंप दिया नहीं है, पर मेरे हिसाब से कंपनी को डबल पंप देना चाहिए। पर सब कंपनी की अलग अलग टेक्निक रहती है, या फिर उनको यहाँ कुछ सिस्टम देना चाहिए इस गिरारी से अटैच करके, यहाँ भी ऐसा कुछ लगाया जा सकता है। तो जल्दी से इसका टाइमिंग कवर निकाल के नया टाइमिंग कवर लगाएंगे। तो अभी इसका टाइमिंग कवर खोला है, अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर लेते हैं, टाइमिंग कवर आ जाएगा तो फिर टाइमिंग कवर फिट करेंगे। एक तो टाइमिंग कवर चेंज होगा, एक इसकी वो गिरारी आती है वो चेंज होएंगे, इसके दो बेरिंग खराब है तो ये बेरिंग भी डलेंगे, ये गिरारी भी डलेगी इसकी, और दोनों इसके बेरिंग भी डलेंगे। पैकिंग वगैरह सिलें मिलें जो भी छोटा मोटा आइटम है वो सब चेंज होंगे इसके। अभी इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग चालू करेंगे। अभी डीजल से साफ करने के बाद इस तरीके से हवा से इसमें अच्छी तरह प्रेशर लगा लेंगे, अब इसकी फिटिंग चालू करेंगे। तो दोस्तों अभी इसका ये टाइमिंग कवर लेकर आए हैं, एक ये इसकी प्लेट है, एक इसका ये आर्म है, एक इसका इसमें ब्रैकेट है, और इधर इसकी ये असेंबली रखी हुई है, यहाँ पर इसकी ये एक असेंबली है, और एक इसका ये पंप है, और कुछ सामान इसमें है, तो इनको हम सेट कर लेते हैं सभी को। हाँ, तो अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान चेंज होता है पावर स्टीयरिंग जब होता है। बहुत कुछ चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइमिंग कवर चेंज कर दिया और पंप लगा दिया सारा काम, बहुत सारे सामान चेंज होते हैं, एक एक सामान आपको बताएंगे। एक तो इसका ये टाइमिंग कवर है ये चेंज होगा, एक इसका ये पंप है ये चेंज होगा, इसकी ये प्लेट है। अगर आपके राणा की स्ट्रिंग लगी हुई है तो उसमें हो सकता है इसकी प्लेट चेंज नहीं हो, तो एक ये प्लेट भी इसमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जेडएफ की स्ट्रिंग है। तीन इसके ये स्टेड मान लो खराब निकले तो उनको चेंज करना है। एक ये शाफ्ट है ये भी चेंज होगी, दो तरफ पंप लगेगा तो ये भी चेंज होगी। दो इसके क्लिप है, टॉप बटन भी डलेगा, और बहुत सारे सामान है, छोटे मोटे बहुत सारे सामान है। एक इसका पंप का पैकिंग है, और ये इसका ब्रेकिट है, और ये इसका आर्म है। इनके पार्ट नंबर रेटें वगैरह सब मैंने पहले ही वीडियो में बताई हुई है, आप देख लेना कि इनके पार्ट नंबर क्या है। और ये सब थैली में पैक थे, क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही हमने रखे हुए थे, आज ही निकाले हैं, क्योंकि थैली में से निकलने के बाद
फिर अगर ट्रैक्टर ओनर बोल देता है आपने लोकल रख दिया तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो ये थैली में से पैक भी आज ही निकले हैं, जब से हमारे पास आए जब से ऐसे ही रखे हुए थे, और बिल्कुल जेन्युइन सामान है। और ये इसका पंप है, सारे सामान हमने जेन्युइन डाले हैं, स्वराज कंपनी के डाले हैं, स्वराज पैक के डाले हैं। और ये इसकी असेंबली है, ये भी बिल्कुल पैक है, इसको हमने निकाल के दिखा दी थी आपको, और बाकी ये भी बिल्कुल जेन्युइन है। अभी इसकी अच्छी तरीके से हमने सफाई कर ली है, इसको फिटिंग करेंगे। और इतना खुलता है, आप देख लो कितना खुलता है, सिर्फ टाइमिंग करो हमें चेंज करने के लिए, इतना इसको खोल लेना पड़ेगा। ये इसकी शोकरलेस पावर स्टीयरिंग है, ये असेंबली है, इसकी पूरी कंप्लीट असेंबली आती है। और भी बहुत कुछ सामान चेंज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो खराब निकलते हैं, खोलने फिट करने में भी खराब हो जाते हैं, तो वो सामान भी चेंज होते हैं। और तीन इसकी पाइप हैं, अभी हमने उनको भेजा है, ट्रैक्टर ओनर लेकर आते होंगे, तो ये सामान चेंज होते हैं। दोस्तों आप देख लो कितने सामान हैं, ये सारे सामान चेंज होते हैं जब जाके हमारा ट्रैक्टर मैनुअल से पावर स्टीयरिंग होता है। और ये इसकी पाइपें भी लेके आ चुके हैं, ये तीन पाइपें इसमें चेंज होगी, जो कंपनी की ओरिजिनल पैक आपके सामने है, देख लो आप, बिल्कुल जेन्युइन है। एक सामान भी हमने इसमें विदाउट ने डाला है, सब कंपनी के डाले हैं और सब ओरिजिनल हैं, स्वराज कंपनी के। तो ये सामान है जो पावर स्टीयरिंग के लिए ज़रूरी है। तो अब हम इनको, मैंने आपको दिखा दिया, अब हम इसको डायरेक्ट फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करके आपको दिखाएंगे टाइमिंग कवर लगा के। हाँ, तो अब इसका टाइमिंग कवर फिटिंग किया है, बाकी काम चल रहा है इसका। और इसके भी ये ब्रैकेट वगैरह लगाना है, ये प्लेट हमने लगा दी है, इस पर ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगा के इसकी असेंबली लगा देंगे। ये जो असेंबली पड़ी हुई है, ये असेंबली लगा देंगे इसके ब्रैकेट में, ये असेंबली फिट होएगी। और ये प्लेट भी हमने चेंज करी, क्योंकि ये जो पुरानी जो प्लेट थी, ये वाली, ये ZF वाली थी, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगी। और अगर आपके राणा वाली भी है तो वो पहले इस तरीके से प्लेन आती थी, इस तरीके से, ये टेपर में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये टेपर में, तो ये टेपर वाली प्लेट लगाई है, फिटिंग इसकी ओके आई है। अब इसको अच्छे तरीके से एक बार कंप्लीट इसको असेंबली को ब्रैकेट में कस के और फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। बाकी टाइमिंग कवर इधर लगा रहे हैं, अभी टाइमिंग कवर कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या क्या दिक्कत आती है, वैसे तो इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी, दिक्कत सिर्फ अल्टरनेटर की आएगी, तो वो देखेंगे अल्टरनेटर का क्या आगे प्रोसीजर बैठता है, किस तरीके से उसको कहाँ फिटिंग होता है। और इसके नट बोल्ट लगा लेते हैं, काफ़ी इसमें समय लगता है, मेरे हिसाब से फ्री मूड का काम है, पर अब ठीक है। ये हमारे से पहले आए थे, मिलके गए, बातचीत करके गए, पेमेंट जमा करा के गए थे, कुछ सामान हमारे पास अवेलेबल थे, कुछ क्या ज़्यादातर तो अवेलेबल ही थे हमारे पास, सिर्फ टाइमिंग कवर नहीं था, तो टाइमिंग कवर हमने मंगवाया है इनके ऑर्डर देने के बाद। बाकी सब सामान मेरे पास अवेलेबल थे, पंप इसका, ये आरम, सारे सामान करीबन करीबन अवेलेबल थे। तो इसको फिट कर लेते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको फिट करके, और आप लोगों को दिखाते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है बिना शुक्र वाले पावर स्टीयरिंग की, क्या, क्योंकि कंपनी जो देती है वो 735 में देती है FW में, और हमें इसमें 44 में करना है, तो देखते हैं फिर क्या प्रोसीजर रहता है इसका। टाइमिंग कवर कसने के बाद इसके दोनों ये पंप लगा लिए हैं, इस पंप के लिए सारी मगजमारी हुई है, इस पंप को लगाने के लिए इसका टाइमिंग कवर चेंज करना पड़ा, इसको खोलना पड़ा, सारा जितना भी प्रोसीजर है इस पंप के लिए हुआ है, क्योंकि हमें हमारी जो स्टीयरिंग है उसको ऑयल देना है, तो उसको लिए कंपनी ने अलग से यहाँ पंप दिया है, तो वही सिस्टम हमने करा है, पंप इसका लगा दिया है, डीजल पंप भी कंप्लीट है, धीरे धीरे इसका प्रोसीजर चल रहा है। और ये इसकी पाइप भी हमने लगा ली है, अभी इनको अच्छे तरीके से सारों को एक साथ फिट करेंगे। अभी इसमें दो पाइपें और चेंज होगी, एक यहाँ से जो पाइप यहाँ निकाली है कंपनी ने, जो हमारा ऑयल कूलर है, वो जो ऑयल से ठंडा होता है, ऑयल पानी से ठंडा होता है, पानी ऑयल से ठंडा होता है, कहाँ गया हो, तो उसके लिए, इसके लिए हमें ये दोनों पाइपें चेंज करना पड़ेगी। इसमें शायद एक होल भी करवाना पड़ सकता है यहाँ, क्योंकि अगली बार मेरे ये दिक्कत आई थी, तो दोनों ही पाइपें भी चेंज होगी। अगर आप इसका सिस्टम हटाना चाहते हो तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर उसका काम, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। अभी तो इन्होंने बोला कि आप पाइप लगा दो, दो पाइप लगा देते हैं,
इसका अल्टरनेटर का देखेंगे, अल्टरनेटर कैसे सेट होता है। धीरे धीरे कर रहे हैं फिटिंग, कर लेते हैं फिर बताते हैं आगे क्या। अभी इसकी टाइमिंग और लगा के इसका टाइमिंग वगैरह मिला देते हैं और देखते हैं कितने टाइम में होता है। आज तो पूरा दिन हो गया मेरे हिसाब से।